हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो दोस्तों, किसने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। दोस्तों, अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये दिल्ली में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची मीनार भी है। दोस्तों, कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1993 में शामिल किया गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण कराया था। दोस्तों, लाल किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता में स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था। दोस्तों, यह कोलकाता में स्थित है और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को यह समर्पित है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, किस राज्य में स्थित है गोल गुंबज? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज स्थित है। दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा गुंबद है और कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है। दोस्तों, इसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व प्रारंभ किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ स्थित है अशोक स्तंभ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। दोस्तों, यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। 26 जनवरी 1950 यानी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता में विद्यासागर सेतु स्थित है। दोस्तों, इसकी लंबाई 823 मीटर है। 823 मीटर विद्यासागर सेतु की लंबाई है और यह हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है वो किनकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है?
तो दोस्तों किस शहर के निकट स्थित है नंदी हिल्स? तो सही आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक में नंदी हिल्स स्थित है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफा है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध को प्रबोध? सभी को इसका आंसर पता होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया। बोध गया में बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था। दोस्तों बौद्ध या बौद्ध धर्म के संस्थापक है और इन्हें एशिया की ज्योति पुंज भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली में शाहजहांबाद स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैरीना बीच कहाँ स्थित है? मैरीना बीच कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई में मैरीना बीच स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है कपिल वस्तु? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल में कपिल वस्तु स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है गोलकुंडा का किला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना में गोलकुंडा का किला स्थित है। दोस्तों इसे कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजगीर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य में राजगीर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है हाथी गुम्फा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में हाथी गुम्फा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है बुलंद दरवाजा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। अगर नहीं पता है तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसे ट्रिक से भी देख सकते हैं, चिल्का झील मतलब चील कौए क्या कहते हैं, उड़ते हैं। ये पानी भरा हुआ है इधर, ये चील कौए हैं, ये उड़ रहे हैं। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, चील कौए उड़ते हैं, यानी चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।